दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप, ये वही जगह है जहाँ पी के उतर के आते हैं, जहाँ डांसिंग कार खड़ी होती है। वो डांसिंग कार यहीं खड़ी होती है, इधर ही। आप पीछे मैच कर सकते हैं ये एकदम। कैसे हो सभी, मैं हूँ ललित और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को फिर से एक बार लेके आया हूँ पी के मूवी की शूटिंग लोकेशन पर, जो दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में ये जगह मैरोली में है, मैरोली में ये जगह जमाली कमाली के पास में ही है, जो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ सुल्तान फिल्म के ऊपर। तो ये मकबरे का नाम है यहाँ पे मोहम्मद कुली खा का मकबरा। तो ये वो जगह है जहाँ पे पीके मूवी के फिल्म के शॉट लिए हुए थे। तो मैं आपको वो सभी शॉट यहाँ पे दिखाऊंगा जहाँ आमिर खान दूरबीन से देखते हैं कुतुब मीनार को, तो वो शॉट यहीं पे लिए हुए थे। तो मैं आपको बारी बारी करके वो शॉट सभी दिखाता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ। दोस्तों ये वही जगह है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। और इसके बाद ये यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये आपको दिखाता हूँ यहाँ से इधर। ये ऊपर जाके है वो सीन जहाँ पे शॉट लिया हुआ आमिर खान का, जो दूरबीन से देखते हैं आमिर खान। तो मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको, आप मेरे साथ बने रहो। आ जाओ, इधर से दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ से। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो इस मकबरे के बारे में यहाँ बताया हुआ है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। थोड़ा पास से और दिखा देता हूँ, मोहम्मद कुली खां का मकबरा लिखा हुआ है इसके बारे में। वैसे इसे चौमुखी दरवाजे के नाम से भी बोला जाता है। चलिए दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो, थोड़ा अंदर से और दिखाता हूँ ये जगह, उसके बाद शॉट दिखाऊंगा आपको। ये ऐसे अंदर आके इधर ये देख लीजिए, ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है पहले टाइम की, कितना अच्छा लग रहा है यार। पहले की तो खूबसूरती ही अलग थी यार, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। इधर से थोड़ा बाहर चलते हैं, जरा कुतुब मीनार का नज़ारा और दिखाऊंगा यहाँ से। ये देख लीजिए, किला टूटा हुआ है यहाँ से, बना था पहले। दोस्तों ये और देख लीजिए, इसके नीचे सुरंग बनी हुई है, एक्चुअली वैसे बंद कर दिया है वैसे तो मेन गेट। यहाँ से इसके नीचे जाएंगे ना, यहाँ से तो सुरंग है इसके नीचे पूरा, इधर उधर चारों तरफ से। तो चलिए मैं शॉट दिखाता हूँ आपको, जैसा कि यहाँ पे शॉट लिए थे आमिर खान के, ये जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं आप ये जगह, और यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे कुतुब मीनार नज़र आ रहा होगा आप सभी को। तो यही वो जगह है जो शॉट लिए थे यहाँ पे। तो अभी मैं आपको सभी को बैक कैमरे से दिखाता हूँ वो शॉट, और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। ये देख लीजिए, तो चलिए दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पीके दूरबीन लगा के देखते हैं कुतुब मीनार की तरफ। तो आपको एक नज़ारा यहाँ का दिखा देता हूँ और उसके बाद वो शॉट दिखाऊंगा। ये थोड़ा इधर से ऐसे है इधर का, ये काफ़ी बड़ा पार्क बनाया हुआ है। वैसे यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे ऐसे किले बनाए हुए हैं जहाँ पे शूटिंग वगैरह होती रहती हैं। तो जैसे जो भी शूटिंग होगी वो मैं आप सभी को दिखाऊँगा। इधर से एक बार और, इधर से और नज़ारा दिखा देता हूँ। ये ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ से आने के लिए। चलिए दिखाता हूँ आपको शॉट। दोस्तों एक शॉट यहाँ से है, इस तरफ से
पी के अनुष्का शर्मा जी आती हैं और वो इस तरफ आती हैं, ये आप मैच कर सकते हैं पूरा। ये वही जगह है, चौमुखी दरवाजे के नाम से मशहूर है ये जगह, आप देख सकते हैं। चलिए और दिखाता हूँ, इसके बाद एक शॉट और मैच कर सकते हैं, अब देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद मैं एक शॉट और दिखाता हूँ यहीं का। दोस्तों आप देख सकते हैं एक शॉट यहीं से लिया हुआ है, हम मिला सकते हैं, जैसे कि ये पट्टी आप मिला सकते हैं, सामने कुतुब मीनार दिखाई दे रहा होगा। और इस जगह पे पीके अपनी दूरबीन लगा के कुतुब मीनार की तरफ देखते हैं, तो यही शॉट है वो। और इसके बाद मैं एक शॉट और दिखाता हूँ आप सबको। दोस्तों एक शॉट आप मिला सकते हैं यहाँ से, यहाँ अनुष्का शर्मा और आमिर खान ऐसे आते हुए इधर कैमरे की ओर, आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं ये जगह। और एक शॉट और दिखाता हूँ आपको, मैं नीचे से बना रहा हूँ क्योंकि ऊपर पेड़ नज़र आ रहा था तो वो शॉट ठीक से आ नहीं रहा था। तो पीछे ये गुंबद आप देख रहे होंगे, ये छतरी सी जो बनी हुई है, आप पीछे मैच कर सकते हैं आमिर खान ऐसे मुस्कुराते हुए तो कैमरे एंगल की तरफ देखते हुए, तो यहीं से वो शॉट लिया हुआ है। और आपको इसके बाद एक शॉट और दिखाता हूँ, एक शॉट ऐसे थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, ये मिला सकते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। उस एक शॉट ये मैच कर सकते हैं आप, ये देखिए अनुष्का शर्मा जी और आमिर खान, आप ये देखिए, अब जहाँ अनुष्का शर्मा कैमरा पकड़ लेती हैं दूरबीन वाला, ये देखिए पीके उनके पीछे खड़े हैं, तो यहीं से वो शॉट लिया हुए हैं। इसी एंगल से तीन चार शॉट लिए हुए थे, वो मैंने आपको सभी दिखा दिए। अब इसके बाद एक शॉट और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आप एक शॉट यहाँ से भी देख सकते हैं, जो पीछे आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा, जहाँ दूरबीन से आमिर खान कैमरे की ओर देखते हुए आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली ये पेड़ काफ़ी बढ़ गए हैं तो इसलिए पीछे का वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने साइड से जाके शॉट लिया है। आप देख सकते हैं आमिर खान यहीं पे खड़े होते हैं। और इसके बाद यहीं का एक शॉट और दिखाता हूँ आपको, तो एक शॉट और दिखाता हूँ अनुष्का शर्मा का, जहाँ वो पावबाजी वगैरह की लगी होती है, आपको दिखाता हूँ यहाँ से, कैमरा एंगल कुछ ऐसा होता है, अभी दिखाता हूँ आपको, देखो एक सेकंड, ये और दिखा देता हूँ यहाँ से। ये है वो यहाँ से यहाँ पे, ये देखो आप शॉट मैच कर सकते हैं बिल्कुल, ये वही शॉट है जहाँ अनुष्का शर्मा जी ये खड़ी होती हैं रेडी के पास। दोस्तों जैसा कि मैं अब, दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो दुकानें लगाई होती हैं मूवी के अंदर, यहीं पे यहाँ रिक्शे वगैरह खड़े होते हैं इधर, आप देख लीजिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप, ये वही जगह है जहाँ पीके उतर के आते हैं, जहाँ डांसिंग कार खड़ी होती है, वो डांसिंग कार यहीं खड़ी होती है इधर ही, आप पीछे मैच कर सकते हैं। ये एक दरवाज़ा बना हुआ है पीछे, और ये सीढ़ियाँ मैच कर सकते हैं। और इसके बाद एक शॉट और दिखाता हूँ, क्या है जहाँ पे ये खड़े होते हैं पीके अपने बाल वगैरह ठीक करते हैं, कानों को हिलाते हैं जैसे, तो वो दुकान यहीं लगाई होती हैं सारी, आप देख सकते हैं मैच कर सकते हैं। कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूले, और मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते रहे, और हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आगे मिले।